गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है एमी के स्कूल से। एमी के स्कूल में काफ़ी तकड़ी प्रिपरेशन हो रही है टेट की, तो आप भी देखिए ज़रा। देख रहे हो, ये यहाँ पर झुगियाँ सी बना रखी है भाई, मस्त वाला प्रिपरेशन है। ये बनाना है, ये ओरिजिनल है भाई, ये फेक नहीं है, गमले के अंदर लगा रखा है। मुझे तो लग रहा है खोद के लेके आए होगे कहीं से। और उधर भी देख लो, ओरिजिनल बनाना, बनाने का भी इसमें काफ़ी रोल रहता होगा। और जो ये ईयर है, इस बार ये ईयर है कैट का ईयर। लास्ट ईयर था टाइगर का ईयर, ये ईयर है कैट का ईयर। तो यहाँ पर जानवरों के हिसाब से ईयर को मनाया जाता है, जैसे हमारे हॉर्सकोप वगैरह नहीं होते हैं उसके तरीके से ईयर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हो, तो यहाँ पर देख लो, फेक आड़ू का एक ब्रांच लेके आए ये लोग, फेक है ये, तो सजा रखा है और कुछ इस प्रकार से सजावट हो रखी है। इसमें भी कुछ कार्यक्रम होगा इसीलिए बना रखा होगा, तो आने वाले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ सजावट होगी, ये तो अभी ट्रेलर है गाइस, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये है एमी का पूरा स्कूल, स्कूल का कंपाउंड नीचे और उस साइड में। ये तो अभी हम बाहरली साइड में है, उस साइड को और है, तो चलते अब ऊपर क्लास में छोड़ते हैं एमी को, नहीं तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। आज एमी एक हफ्ते के बाद स्कूल जा रही है। एमी थू हाई रिकॉर्डिंग हफ है तुबा। तो लास्ट वीक में एमी ट्यूसडे को गई थी स्कूल, मंडे को ऑफ था, तो तबीयत ख़राब हो गई थी एमी की, तो पूरा सप्ताह एमी स्कूल ही नहीं गई। तो आज फिर से, तो लास्ट ट्यूसडे को, आज फिर ट्यूसडे एक हफ्ते के बाद ट्यूसडे और स्कूल। तो ये जो इनसाइड का कंपाउंड एरिया है, और एमी का जो क्लासरूम है वो उस साइड में है, उधर है एमी का क्लासरूम। तो एमी चली गई अपने क्लासरूम में। बाय 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 बाय। तो ये देखो एमी के क्लासरूम चल रहा है, यहाँ पर म्यूजिक, बस ऐसे पढ़ते हैं भाई ये लोग। सो गाइस, अभी ऑलमोस्ट ढाई बज चुका है, क्लास लेने जा रहा हूँ। और सुबह क्लास एमी को छोड़ने के बाद घर आया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मैं सो गया था। फिर तो देर से उठा क्योंकि भाई एनर्जी फुल रखनी पड़ती है। अभी जा रहा हूँ तो अब 10 बजे फ्री होगा रात को, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो अभी जाना है तो एमी को भी स्कूल से लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा क्लास होगा 3 से 4 बजे, 4 बजे क्लास फिनिश करके एमी को लेने जाऊँगा स्कूल, और फिर एमी को घर में छोड़ूंगा, अपना घर से चाय पानी ले जाऊंगा साथ में, जिससे एनर्जी बना रहे। तो ये तो अपना हर दिन का रूटीन है, जूते वगैरह कस दिए हैं, तो बाइक से ही जाता हूँ। एमी को अब स्कूल से लेके आना है, तो ये जुगाड़ रहता है, देख रहे हो, ये एक चेयर है जो बाइक के ऊपर सेट हो जाती है, तो इसके इस चेयर में एमी बैठती है ताकि इधर उधर ना टहले, भागे ना दौड़े ना, नहीं तो भाई उछल कूद होती है, तो ये सेफ्टी है। तो ऐसे ये चेयर सेट होती है, देख रहे हो, ऐसे सेट होती है, यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। सो गाइस, फिलहाल के लिए क्लास ख़त्म हो गई है और अभी जा रहा हूँ एमी को पिक करने के लिए। खिड़की दरवाजे, खिड़की तो क्या, दरवाजे ही दरवाजे हैं मेरे सेंटर में, खिड़की नहीं है। अब बताओ आप, बिना खिड़की का घर है, दरवाजे है, 3 दरवाजे हैं अंदर, देख लो आप, एक ये और एक उधर, रात 3 दरवाजे है, खिड़कियाँ विड़कियाँ कुछ नहीं है, जुगाड़ी है भाई। पहुंच गया हूँ एमी के स्कूल में, और थर्ड फ्लोर पे ऊपर आना पड़ता है सीढ़ियाँ चढ़ के, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो अभी रिएक्शन दिखाते हैं एमी का आपको, भागे भागे आती है, दौड़े दौड़े आती है। क्या
ओई और है पन ओई ओहो ओहो तो इस तरह से बैठते हैं भाई हम ऐसे जाना पड़ता है। ये देखो गाइज आज की क्लास का नज़ारा। मेरे लिए बैठने की जगह भी नहीं है, मेरी जगह भी मेंबर घुसे हुए हैं, तो आज तो हाउसफुल था। सो गाइज आज की ये क्लास ख़त्म हो गई है और थोड़ी सी गुड न्यूज़ मेरे लिए ये है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर में डिनर करूँगा। डिनर करने के बाद एक ही क्लास बची है क्योंकि एक क्लास आज से बंद हो चुकी है, टेट हॉलीडे के लिए वो ऑफ हो गए। अब टेट हॉलीडे के बाद ही उनकी क्लास होगी, तो मेरे लिए तो भाई ये गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ इतनी क्लासें लेके, तो कम से कम एक तो कम हो गई। तो अभी डिनर करने के लिए मेरे पास टाइम है 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद जाऊँगा दूसरी क्लास में। यहाँ से कम मेरे को 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अभी डिनर वगैरह करने के बाद। सो गाइस डिनर वगैरह हो चुका है, अभी टाइम बज रहे हैं 7:45, तो 8:15 में मेरी क्लास होती है, तो एक क्या आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा मैं पहुंच ही जाऊंगा। और ब्लॉग को भी यहीं पर क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि आने में देर हो जाएगी, और मैं जाते जाते रास्ता में ब्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि रात का टाइम है, तो भाई बाइक भी सावधानी से चलाना पड़ता है। तो 2-4 दिन पहले ही पीछे से किसी ने ठोक दिया था, तो आपको पता ही है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।